मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश व्लॉग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके बाल के लगना शुरू हो गए, बट ठीक है यहाँ का पानी चेंज होता है तो इसके लिए वही प्रॉब्लम है। पहले तो जो रूम में रात को रहते वो चेकआउट कर लिया, बिकॉज वो रात काटने का जरिया था। रूम ओके था, मेन प्लान था स्वामीनारायण मंदिर के अंदर जो स्टे रहता है वहाँ पे था, बट वो लोग ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते और वहाँ पे रूम्स अवेलेबल भी नहीं है। उन्होंने कहा उनका एक थोड़ा दूर है वहाँ से, 1 किलोमीटर जितना है, तो वहाँ पे स्टे मिल जाएगा बट गारंटी नहीं। उन्होंने कहा 9:30 चेकआउट होगा तभी शायद आपको रूम मिल जाए, जो है जैसा है देखते हैं, बट यहाँ से चेकआउट कर लिया है। बट फिर भी अगर नहीं मिला रूम तो ये तो बैकअप है ही, जैसा है जो है कर लेंगे 2 दिन और क्या। यहाँ ये मंदिर है, यहाँ पे हम लोग ने इंक्वायरी किया मंदिर, और बहुत सही बनाया है, क्लीन मेंटेन करके रखा है, अच्छे से सही है। जैसे ही लोग के मंदिर क्लीन है वैसे रूम्स भी एक्चुअली सही है। गूगल पे तो सही बता रहे कि रूम्स अच्छे हैं, बट वहाँ जाके पता चलेगा कितना मेंटेन किया है, क्या है, कैसा है, फोटोज जैसा है या नहीं है। फटाफट पहुँचते हैं क्योंकि हम लोगों को बाद में जो प्लान है दर्शन करने जाना है सब जगह पे, फटाफट वहाँ पे भी निकलना है क्योंकि 9:30 निकल जाना था, बट ये रूम्स के चक्कर में बहुत लेट हो गया है। अब इस कल जैसा हाल होगा रिटर्न के टाइम पे, कहाँ 7:30 को पहुँचने वाले थे, कहाँ हम लोग 11:30 को रात को पहुँचे, तो वैसा आज वापस चाहिए नहीं क्योंकि इतना ट्रैवलिंग वापस किसी और से होगा नहीं, सो वापस मगजमारी नहीं की। ये कुछ ऐसा रूम है, पहले वाले से तो बहुत ही अच्छा है। ये कुछ ऐसा थोड़ा शॉर्ट बालकनी टाइप है, विच इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब नहीं इसको बंद ही रखेंगे पूरा टाइम। और वॉशरूम भी बहुत क्लीन है, सही है, ठीक है, अच्छा है, पहले वाले से तो एक्चुअली 10 times बेटर है ये। और वैसे भी हम लोग को स्टे करना है नहीं, पूरा दिन हम लोग बाहर ही रहेंगे, सो मतलब नहीं है। और वैसे भी वहाँ पे मालूम नहीं सीज़न नहीं है, फिर भी बुकिंग्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, बट ठीक है यहाँ पे मिल गया, सो अच्छा है। अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत हो रहा है। अगर आप लोग अच्छा कुछ कभी भी आ रहे हो सो यू कैन ये सेव रोल आप ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो यहीं पे ये बेस्ट मिलता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से यहीं अच्छा मिलेगा। और कहीं मिल गया तो प्लीज़ बता देना, बट जो है जैसा मेरे को यहाँ का पसंद है, कहीं और का ट्राई नहीं किया है। अभी गाड़ी चलाने का टर्न मेरा है, बाद में दोपहर को खाने के बाद एज यूजुअल मैं सो जाऊंगा, पापा चलाएंगे। और कल पूरे दिन में हम लोग ने ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर कल चला लिया है पूरे एक दिन में। अभी आज देखते हैं आज कितने दिन में होगा, आज कितना किलोमीटर्स होता है, क्या होता है, कैसे होता है, रात को अपडेट मिलेंगे। अभी जस्ट निकले ही थे और यहाँ पे पंक्चर हो गया, 10 किलोमीटर भी पूरे नहीं है और यहाँ पे पंक्चर हो गया है। अभी एक तो वैसे ही 9:30 को निकलना था, 11:30 को निकल रहे, अभी पता नहीं कब पहुंचेंगे क्या है। एक तो रास्ते भी सही नहीं है और ऊपर से 1.5 घंटा बता रहा है, क्या होगा पता नहीं। फाइनली पंक्चर वगैरह बन गए, हम लोग निकल पड़े हैं। अच्छा छोटे में निपट गया, ऐसा कुछ बड़ा दुर्घटना होने वाला था तो छोटे में टल गया, जो है जो होता है जैसा होता है अच्छे के लिए होता है, बी पॉजिटिव, टेंशन। फाइनली 1.5 घंटे बाद खराब रास्तों पे चलाने पे हम लोग पहुंच गए हम लोग की कुलदेवी पे, विंध्यावासिनी माँ, विंजान में। जो खराब रास्ते मिले हैं, गाड़ी इतनी बार ठक ठक हुई है ना, इसकी वजह से ही पंक्चर हुआ था कल भी, वही टेंशन है, अभी नया पंक्चर ना जाए तो अच्छा है। अभी फटाफट दर्शन करते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं, खाना भी बाकी है, भूख बहुत लगी है। बचपन से मैं आते जा रहा हूँ पर यहाँ पे कभी पहले पानी नहीं देखा है इतने सालों में, लास्ट ईयर जो इतना बारिश हुआ ये साल भी हुआ तो अच्छा खासा पानी जमा हो गया है, सो अच्छा है बहुत। और कितना बंजर ज़मीन है यहाँ पे, कितना डेवलपमेंट कर सकता है बंदे। हम लोग हमारे सेकंड लोकेशन के लिए निकल गए हैं मातानो मढ़, वो भी यहाँ से और 89 किलोमीटर्स, और बता रहा है 3:58 मतलब 4 बजे के आसपास पहुँचेंगे, तब तक ठीक है 3 बजे मंदिर खुल जाता है वापस से, तो ठीक है जब तक मंदिर खुलेगा तब तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है, अभी हमारा लंच भी नहीं हुआ और कुछ है भी नहीं आसपास, 3 बज गए ऑलमोस्ट, तो लंच करने के लिए कहाँ रुकना है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं पता क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं, आसपास पूरा खाली है। बनाने का काम तो चालू है, बट मुझसे ये एक क्वेश्चन है कि लोग बीच बीच में पैच क्यों छोड़ देते हैं, मतलब इतना अच्छा फिर बीच में वापस ये लोग छोड़ देंगे जहाँ पे आपका स्पीड टूटता है, फिर वापस अच्छा जहाँ पे आप स्पीड मेंटेन करते हो, मतलब इनको पूछना है बीच बीच में क्यों छोड़ देते हैं ऐसे। पहुँच गए मातानो मढ़, मतलब आशापुरा माँ का मंदिर। अभी देखते हैं अंदर फ़ोन अलाउड रहेगा तो ट्राई करेंगे कुछ छूट करने का, वरना तो ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते।
आशापुरा माँ के दर्शन अच्छे से हो गए और जो क्लिप्स आपने देखा एक्चुअली शूट नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है कर लिया, किसी ने रोका नहीं कुछ नहीं, बट ठीक है ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा ही शूट किया है, तो चलता है फिर। और अभी हम लोग ने टोटल 173 किलोमीटर कर लिया है सुबह से, और अभी और 50 किलोमीटर से जो 6:30 बजे पहुँचेंगे, मतलब अभी और 2 घंटा है। मैंने तो कुछ खाने भी नहीं मिला है ज़्यादा, तो यहाँ पे जो था डाबेली पानीपुरी जो भी था हमने तो डाबेली खाया और गन्ने का रस पी लिया, बट ठीक है मस्त सो जाएंगे क्योंकि अभी ताकत है नहीं जागने की। तो फिर देखते हैं अभी जब भी वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे जाना है तभी उठते हैं सीधा। पे हम लोग को जाना था, एक तो वैसे ही रास्ते खराब थे और अभी तो रास्ते ही नहीं है, तो ये देखो ये रास्ते है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट सुनसान जगह भी नहीं, ये कुछ अलग ही है। और अभी और ये तो गूगल मैप तो काम ही नहीं कर रहे हैं, लोकल्स को पूछ पूछ के वो लोग कह रहे हैं 4-4, 5-5 मिनट, बट ठीक है दूसरे साइड से आए हम लोग तो वो साइड का रास्ते लोग कह रहे अच्छा है, बट भाई ये क्या है, ना आगे ना पीछे ना आजू ना बाजू, सच्ची में कोई नहीं है, बंदा यहाँ पे कुछ हो जाए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए, 10-15 मिनट तक ऐसा ही रास्ता था, गाड़ी की तो हालत हो ही गई, ये देखो गाड़ी की हालत पूरे लग गए गाड़ी के और साथ में हम लोग के भी लग गए, जो तकलीफ हो रही है कमर और उसमें बहुत थक गए। और हम लोग फाइनली जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, हाजीपीर दरगाह हम लोग को आना था, हाजीपीर दरगाह हम लोग आए फटाफट दर्शन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी आगे और रास्ता कैसा है मालूम नहीं, रात में कवर करना नहीं है क्योंकि हाई बीम लो बीम का वापस वही इशू, और रास्ते मालूम नहीं ख़राब आते तो समझ भी नहीं आता है रात में, तो फटाफट यहाँ से दर्शन करके निकलना है। दर्शन अच्छे से हो गए और अभी 6:30 हो रहे हैं, हम लोग को फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट, अभी दिखते हैं यहाँ से बता रहा है और 2.5 आवर्स लगेगा, बट हम लोग को ट्राई करना है 9 के पहले हम लोग पहुँच जाए, तो ठीक है जल्दी से निकलते हैं यहाँ पे। सबको सब थक गए एक्चुअली, अभी एक्चुअली ट्रैवलिंग में जो लास्ट का 10-15 मिनट था ना ख़राब रास्ते में एक्चुअली जान निकाल लिया। हम लोग अभी रिटर्न के लिए निकल तो चुके हैं, बट सामने देख सकते हो रास्ता है बिल्कुल ऐसा है, सुनसान है, मतलब कुछ है ही नहीं आजू बाजू देखने के लिए। और हम लोग को जहाँ पे जाना है और यहाँ से हम लोग एक्चुअली जाना है भुज, बट हम लोग जा रहे हैं रन ऑफ कच के थ्रू क्योंकि वहाँ से रास्ता अच्छा मिलेगा, तो वहाँ से है 34 किलोमीटर्स और 44 मिनट्स बता रहा है। आई होप कि वहाँ का रास्ता अच्छा ही हो जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से आओ आते टाइम, अभी देखते हैं जैसा मिलेगा अभी। तो फाइनली रन उत्सव के रास्ते से हम लोग भुज की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा है रास्ता, पूरा रास्ता अच्छा था, जो सोचा था वैसा ही, सबने जैसा बोला था वैसा ही था रास्ता, अच्छा मिलेगा। 10-15 किलोमीटर ऑब्वियसली बढ़ गए, बट टाइम बच गया ना उतना, तो वही इम्पोर्टेंट है कि टाइम बच जाए। अभी ये टाइम तो टाइम नहीं था रन उत्सव जाने का, बिकॉज टाइम का थोड़ा पंगा था, मतलब सबको काम, पापा को काम वगैरह पे जाना था, मेरे कॉलेजेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तभी ज़रूर प्लान करेंगे यहाँ पे स्टे लेने का टेंट में, और देखते हैं 1-2 दिन यहीं पे स्टे ले लेंगे और पूरा प्लान करके आएंगे कि कैसा है क्या है, बट ये टाइम तो नहीं हो पाएगा, तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। ये पूरा रणोत्सव का मेन एंट्रेंस है गाइस, तो जो हम जहाँ से हम लोग आए वो शायद बीच में से कहीं से, बट यहाँ से पब्लिक जाती नहीं है, मे बी ये लोग का जो यहाँ पे काम करते हैं या पुलिस वालों के लिए रहेगा, तो जो यहाँ से पब्लिक आती है मेनली वो साइड्स है, पता नहीं कैसा है बट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली भाई रूम में आ गए, 8:39 को पहुँचना, 9 से पहले पहुँचना था, 8:30 को पहुँच गए रूम में आ गए, थोड़ा 5-10 मिनट फ्रेश होकर रिलैक्स होते, अभी खाना भी खाने जाना है, फटाफट खाना खाने जाते। भाई आज का दिन बहुत ही सही भी था और थकान भी था, बट हाँ वो जो जहाँ पे हाजीपुर के लिए रास्ता था ना वो तो बाप रे बाप, तौबा तौबा, अगली बार कभी ना ले, किलोमीटर्स बचाने के चक्कर में टाइम उतना ही वेस्ट होता है, उससे अच्छा किलोमीटर्स ज़्यादा ले लो टाइम उतना ही होता है, तो ठीक है सही रास्ता लो अच्छा है, आपको भी अच्छा पड़ेगा, आपकी गाड़ी भी सही रहेगी और आपको रोड ट्रिप करने में मज़ा भी आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि नेक्स्ट टाइम रोड ट्रिप ही नहीं करना है। ठीक है अभी फटाफट फ्रेश होकर खाना खाने जाते हैं।
हम लोग फाइनली पहुंच गए 9:30 को ही ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, तो खाना भी यहीं पे है। तो आज बहुत थक गए और शूट करने का ताकत है नहीं, और हम लोग कहीं जाने भी वाले नहीं है, सब सो जाएंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।